हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल बेसिक स्किल चैनल। हम लोगों ने अभी तक वर्ल्ड 2016 के बारे में बात कर रहे थे, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात किए थे फाउंट की, फाउंट थीम, फाउंट फाउंट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट पे कलर कैसे देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, फाउंट कलर क्या होता है। उसके बाद में हम लोग बात किए थे बुलेट्स की और बुलेट्स एंड नंबरिंग की। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरह से हम लोग पैराग्राफ या हम लोग का जो मैटर, हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग वर्ड पे जो भी टाइप करेंगे उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक पैरा है और इस पैरे को अब हम लोग को मैनेज कैसे करना होता है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये पैरा, जैसे ये आप ये चीज़ देख रहे होगे पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ का बॉक्स है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट आता है, ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, ये राइट अलाइनमेंट होता है और ये जस्टिफाई होता है। अब ये हमारे इसमें करते क्या है, पैराग्राफ में करते क्या है, ये पैराग्राफ मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, जैसा कि मैं ये पूरा पैरा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग जैसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ये साइड है, राइट साइड है, ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन यहाँ पे आपकी जो है कभी ऊपर कभी नीचे, फिर बड़ी हो रही है कभी छोटी हो रही है, फिर इसके बराबर की हो गई, फिर छोटी बड़ी, इस तरह से ये चल रही है। तो ये जो पैरा मतलब हम लोग ने लिखा है वो अगर किसी को हम लोग देते हैं या कोई फाइल तैयार कर रहे हैं तो ये अटपटी सी लगती है, थोड़ी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसको हम लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से करेंगे, जैसे कि हम लोग टाइप करने को तो अलाइनमेंट लेफ्ट में ही टाइप करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को कोई हेडिंग बनानी हुई, जैसे ये हम लोग एक वर्ड कॉपी करके इसकी हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग को हम लोग सेंटर में ले सकते हैं, राइट में ले सकते हैं और लेफ्ट में ले सकते हैं। इसको आप चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको सेंटर में लेते हैं ताकि पता रहे कि हाँ हमारी हेडिंग है ये। ओके, देन उसके बाद में हम लोग ये पैरा को वापस सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अब इसको हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे कि सेंटर में करेंगे तो ये देखिए इधर से भी ये थोड़ा सा सेंटर में, पूरा पैरा जो है ये पूरा सेंटर में आ गया। और राइट में करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, इधर से इक्वल हो जाएगा और इधर से ये बड़ा छोटा इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद में ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि इधर से भी इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये देखिए लाइन एकदम सीधी सीधी हो रही है, और इधर से भी ये इक्वल होना चाहिए, ये देखिए ये लाइन सीधी सीधी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक पैरे को, पैराग्राफ को जस्टिफाई मतलब पैराग्राफ को मैनेज करने का ये तरीका है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इस पैरे को हम लोग आगे कैसे, किस तरह से मैनेज और कैसे इसको अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने हेडिंग बना तो ली, हेडिंग के बाद में ये हमने यहाँ से इस
रूलर से यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो टैब अपने कीबोर्ड पे टैब बटन होता है, इस टैब बटन को एक बार प्रेस कर दो तो ये 0.5 ये 0.5 जो होता है ये आपका स्पेस होता है, यहाँ से यहाँ तक की स्पेस, ये वन एक बार में ये स्पेस जो है वन टैप लेता है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, एक स्पेस और बढ़ा दो, तो इस तरह से ये पूरे पैरे को ये आगे बढ़ाता रहेगा। देखो हो रहा है, इसको वापस करने के लिए शिफ्ट के साथ में वापस टैब आप क्लिक करोगे तो ये शिफ्ट के साथ वापस टैब जो है अपनी अपनी मेन जगह पे आ जाएगा, बैक चला जाएगा। अगर सिंगल टैब आप क्लिक करते हो तो ये आगे बढ़ाता है, और शिफ्ट के साथ बैक टैब स्पेस करते हो, टैब वापस दबाते हो तो ये पीछे आता है। और अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये तो होगी टैब की बात। अब पैराग्राफ को हम लोग, ये है लाइन सेटिंग, लाइन स्पेसिंग सेटिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे लाइन के बीच में जो स्पेस आ रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे स्पेस देते हैं, ये देखिए पहले जो मैटर लिखा हुआ था वो एकदम साथ साथ चिपके हुए थे, ठीक है। अब क्या है, ये खुले खुले मैटर सामने, मतलब हम लोग जो पैराग्राफ जो नज़र आ रहा है ये एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है, चिपका हुआ नहीं है, एकदम सुंदर जो है साफ लैंग्वेज में दिख रहा है। अब हम लोग इसका फॉन्ट भी अगर चेंज करना चाहें, यहाँ से हम लोग फॉन्ट भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्पेस को हम लोग लाइन को जो है यहाँ से ये 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3, तो इस तरह से हम लोग इसको जो लाइन को स्पेस है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं इसमें 1.15 बेस्ट है, इसमें अक्षर जो है चिपके हुए नहीं होते, मैटर हमारा खुला खुला होता है और साफ साफ हम लोग को वर्ड दिखता है। ओके फ्रेंड्स, और ये तो हो गई हमारी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग। अब हम लोग के पास में आता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब ये देखिए, अभी आपको पता नहीं चल पाया होगा, एक मिनट, ये मैं ये पूरा पैराग्राफ हटा देता हूँ। अब देखिए ये आपका जैसे ही सेलेक्ट हो रहा है तो इसमें जो है आपको ऐड बिफोर, यहाँ से इस जगह से आपको जो है हेडिंग से थोड़ा सा ये नीचे ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाता है और पैराग्राफ को सेट कर देता है। ये हमारा काम करता है कि भाई जैसा जो पैराग्राफ है इसको हम लोग किस तरह से बिफोर, मतलब पहले वाला जो पैराग्राफ था उससे हम लोग कितना स्पेस इसको जो है मैनेज करके रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये एक पैरा जो है हम लोग ये सेलेक्ट करके रखते हैं, एक ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या हम लोग उसी पैरे को एक और ये पैरा, दो पैरा हम लोग इसी कॉपी का बना के, अब आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये मैंने इसको जो है सेलेक्ट करके ये पैरा मैंने कॉपी कर दिया, अब इस पे हम लोग ये देखें, यहाँ देखिए हेडिंग के पास में ये हेडिंग है, हेडिंग से नीचे में यहाँ पे स्पेस हो गया,
जस्ट हमारा जो पैरा ख़त्म हुआ, पैरे के बाद में ये स्पेसिंग बिफोर पैरा ये हो गया। तो ये जो हमारे पैरे पैराग्राफ को मैनेज करने का एक तरीका है, एक ये है और एक इसको हम लोग यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पैरा। तो ये तो हुई हम